नमस्कार। मजाक, जी हाँ मजाक, आप किसी से कैसे करते हो? मजाक करने का भी तरीका है, पता है आपको? लेकिन बहुत से लोगों को मजाक करने का तरीका भी पता नहीं है। और वो मजाक मजाक में दूसरों से लड़ाई कर लेते हैं और फिर कहते हैं, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, इट वॉज जस्ट जोकिंग। बट सामने वाला वो उसको जोकिंग नहीं समझ रहा था, बट यू आप उसको जोकिंग समझ रहे थे और फिर दोनों गुत्थम गुत्था आ जाते हैं। मजाक कैसे होनी चाहिए पता है आप? मजाक की डेफिनेशन क्या है? मजाक वो होनी चाहिए जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों हंसे, वो तो होती है मजाक। बट बोलने वाला हंसे और सुनने वाला दुखी हो, समझ लेना कि वो मजाक नहीं है। आप चार पांच दोस्त मिलकर बैठे हो और जोर जोर से हंसी का ठहाके लगा रहे हो, किसी एक दोस्त को आपने टारगेट किया है और 10, 15, 20 मिनट आधे घंटे तक उसी को टॉर्चर कर रहे हो, उसी के ऊपर मजाक बना रहे हो। आप चार पांच दोस्त तो हंस रहे हो और वह छठा दोस्त बेचारा मुंह देख रहा है आपका, वो नहीं हंस रहा है, तो समझ लेना कि आप उनकी मजाक नहीं बना रहे हो, आप उनका अपमान कर रहे हो। और जब आप किसी का मजाक में अपमान करते हो ना, तो आप तो सोचते ही नहीं हो, आपको तो लगता ही नहीं कि यार मैं उसका अपमान कर रहा हूं, लेकिन सामने वाला वो फील करता है कि आप उसका अपमान कर रहे हो। वो उस बात को कभी नहीं भूलता, वो हमेशा उस बात को रिमाइंड रखेगा कि आपने उसका इंसल्ट किया था। और आप क्या समझोगे, अरे यार कुछ नहीं यार, मैं तो मजाक में बोल रहा था यार, अरे मैंने तो ऐसे मजाक की यार। आपके मन में ऐसे लगेगा, नहीं यार मैं तो मजाक में बात कही थी, लेकिन सामने वाले ने उस बात को मजाक में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जब आप मजाक कर रहे थे ना, तो सामने वाला थोड़ी हंस रहा था, सामने वाला तो आपको देख रहा था दुखी मन से और आप हंस रहे थे जोर जोर से। तो ध्यान रखना, यह मजाक नहीं होती। मजाक वही होती है जो सामने वाला भी हंसे और बोलने वाला भी हंसे और सुनने वाला भी हंसे। अगर इन दोनों में से एक दुखी हो रहा है, तो समझ लेना आप कि वो मजाक नहीं है। फिर वो मजाक अपमान में बदल जाती है। आपको पता है, एक छोटी सी घटना है, जब इंद्रप्रस्थ बनता है, दुर्योधन पहली बार इंद्रप्रस्थ में आता है, तो द्रौपदी ऊपर खड़ी होती है और दुर्योधन नीचे चल रहा होता है, तो वहां की फर्श ऐसी होती है पानी जैसे, दिखता ही नहीं है कि वो पानी है, ऐसा लगता है फर्श। दुर्योधन उस पानी को फर्श समझकर उस पे पैर रखता है और गिर जाता है, और फिर द्रौपदी ऐसे हंसती है उसके ऊपर, ऐसे अट्ठास करके हंसती है, तो उस वक्त द्रौपदी हंसती है और दुर्योधन चुप रहता है। दुर्योधन को वो मजाक मजाक नहीं लगती है, दुर्योधन को वो अपमान लगता है, और उसी कारण महाभारत होती है। द्रौपदी तो कहती है युधिष्ठिर से कि मैंने तो उनको मजाक में हंसी थी, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा था द्रौपदी को कि हे द्रौपदी, मजाक ये नहीं होती है, मजाक ये होती है कि सामने बोलने वाला भी हंसे और सुनने वाला भी हंसे। तुम्हारी मजाक में सिर्फ तुम हंस रही थी और दुर्योधन अपमानित महसूस कर रहा था। तो ऐसी मजाक जीवन में कभी मत करना, वरना आपके जीवन में भी महाभारत हो सकती है। मजाक वही करना कि आप भी हंसो और सामने वाला भी हंसे, या सामने वाला मजाक करे तो सामने वाला भी हंसे और आप भी हंसे, तभी वह मजाक कहलाएगी, वरना वो मजाक आपके लिए भारी पड़ सकती है।